फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? सभी को राम राम। आज हम जा रहे हैं लखनऊ। देखिए, करनाल स्टेशन पहुंच गए थे। आज मैं जा रही हूं अपनी मम्मी के घर। ये देखिए करनाल स्टेशन का नज़ारा कैसे है। तो थोड़ा जल्दी पहुंच गए थे। मेरी ट्रेन थी 6:30 की, तो मैं पहुंच ही गई थी 5:30 तक। तो घूम रही थी इधर उधर, मैंने कहा चलो थोड़ी सी वीडियो शूट कर लेते हैं। वैसे ज़्यादा नहीं किया था, थोड़ा बहुत ही किया था। ये बेटा मेरा बहुत परेशान करा। देखिए मेरी ट्रेन थी, तो मैं टाइम देख रही थी ट्रेन की कि देखिए कितने बजे ट्रेन आएगी, किस प्लेटफार्म पे आएगी। ये देखो जनाब, मटक रहे हैं इधर उधर। मैं दौड़ दौड़ के ना इसी को पकड़ रही थी, बहुत परेशान कर रहा था। तो मैंने कहा चलो इसी बहाने तो वीडियो भी शूट कर लेते हैं। तो इधर स्टेशन के आसपास ना बहुत अच्छा था नज़ारा। तो धूप थी, काफ़ी तेज़ धूप थी। तो वो देखिए कैसे स्टेशन के साइड में कितने फ्लावर डेकोरेट कर रखे हैं, बहुत सुंदर लग रहा था। तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी वीडियो बना लेते हैं। यहाँ पे हमारा थोड़ा करनाल का निशानी ही रहेगा, क्योंकि अब देखो हम साल के बाद ही आते हैं। ये देखो बाहर का स्टेशन के पास का मतलब नज़ारा था। ये देखो स्टेशन के पास वाला नज़ारा। बैठी हुई थी ऐसे, तो चलो छोटी सी वीडियो शूट कर लेते हैं। मस्ती कर रहे थे सारे बैठ के, हंस रहे थे। और फिर थोड़ी देर वेट किया और मेरी ये देखो ट्रेन आ चुकी है। अब मैं ट्रेन में बैठूंगी। इसके बाबा वहीं आए थे मेरे को छोड़ने, तो वहीं पर टहल रहे थे। ये परेशान कर रहा था ना, तो उसी को पकड़ रहे थे। चलो मैं ट्रेन में बैठ लेती हूँ, फिर मिलते हैं आगे। तो मैं ट्रेन में बैठ चुकी थी और भीड़ थी काफ़ी ट्रेन में। बैठ के चिप्स खा रहे हैं ये। इनको बस बैठ, बाहर नहीं इनको भूख नहीं लगेगी, ट्रेन में बैठते ही बस इनको भूख लगनी शुरू हो जाती है। बैठ के चिप्स खा रहे थे और मेरी ट्रेन जाके रुकी थी पानीपत स्टेशन था। वहाँ पे ब्रेड पकौड़े बहुत फेमस है, तो ब्रेड पकौड़े देखो बन रहे थे। ये देखिए मैं पहुँच गई थी लखनऊ। मैं ना रेलवे लाइन के किनारे उतरी थी, क्योंकि वहाँ से मेरा घर पास था, इसलिए मैं रेलवे लाइन के पास वही ट्रेन जा रही थी। तो मैं वेट कर रही थी ट्रेन चली जाए। चलो मैं घर जाती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करना।